अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CW व्लॉग्स। आज की वीडियो में जो कार लेकर आया हूँ, होंडा सिविक 1999 मॉडल। इसकी तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, प्राइस, स्पेक्स, कंडीशन वगैरह सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गाड़ी जो है बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कंडीशन में है, अपनी जेन्युइन हालत में ये गाड़ी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि इसकी जो तमाम डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सो डियर व्यूअर्स, जो कार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये है होंडा सिविक 1999 मॉडल VTI ओरियल। इसकी आउटर बॉडी की कंडीशन जो है वो आपको मैं चेक करवाता हूँ। वीडियो में आप इसकी कंडीशन चेक करें। इसकी आउटर बॉडी जो है ओवरऑल बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है और कार जो है टोटल अपने जेन्युइन कलर में है। जस्ट कुछ पीसीज में जो है वो टचिंग है, कलर फेड होने की वजह से कुछ पीसीज जो हैं वो पेंट किए गए हैं। बाकी जो है छत, डीगी पिलर और बोनट वगैरह की सील्स जो हैं सब सील जेन्युइन और बिल्कुल अपनी जगह पे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है। फ्रंट पे जो इसकी लाइट्स, ग्रिल और फॉग लाइट्स जो हैं वो जेन्युइन इंस्टॉल्ड हैं। बम्पर इसका अच्छी कंडीशन में है। गाड़ी जो है वो बिल्कुल ही रस्ट फ्री और इसकी आउटर बॉडी में कोई जो है काम नहीं होने वाला। इसमें जो अलॉय व्हील्स जो हैं वो वर्क्स ब्रांड के इंस्टॉल हैं, ब्रांड न्यू टायर्स के साथ। सनरूफ जो है इसमें कंपनी फिटेड है, जो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। कार की साइड्स जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं, कोई डेंट वगैरह या रस्ट वगैरह। इसकी डोर की सील जो हैं बिल्कुल ओरिजिनल हालत में हैं, कोई रस्ट नहीं लगा हुआ, बिल्कुल सील जो हैं वो अपनी जगह पे हैं। कार की बैक पे आ जाएं तो इसकी जो बैक लाइट्स हैं वो जेन्युइन लगी हुई हैं, बिल्कुल साफ़ और फ्रेश हालत में हैं। आफ्टर मार्केट जो है ब्रेक लैम्प इंस्टॉल है। कार के इंटीरियर जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा इसका इंटीरियर है। ब्लैक लेदर सीट कवर्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, डोर पैनल भी जो है वो लेदर में हैं। पावर विंडो ऑप्शन इसमें कंपनी फिटेड आता है। गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बिल्कुल 100% कंडीशन में है। वीडियो में इसकी आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। बाकी इसका डैशबोर्ड, डोर पैनल्स, रूफ और 100% कंडीशन में है। स्टेयरिंग व्हील जो है इसमें जापानीज़ इंपोर्टेड एयरबैग के साथ लगा हुआ है। मल्टीमीडिया टच पैनल जो है इसमें इंस्टॉल है। बैक रिवर्स कैमरा भी जो है इसमें लगा हुआ है। कार का जो इंटीरियर है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। इसकी इंटीरियर की कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू इसका इंटीरियर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई जो है इसमें काम नहीं होने वाला। सीट्स जो हैं वो बिल्कुल 100% कंडीशन में हैं। साफ़ सुथरा इसका डैशबोर्ड है, डोर पैनल वगैरह बिल्कुल 100% कंडीशन में हैं। कार का जो इंजन है वो होंडा VTEC 1600 CC जो इस मॉडल में आया था, बिल्कुल फ्रेश हालत में इसका इंजन है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ट्रांसमिशन इसका बिल्कुल स्मूथ है। गाड़ी जो है टोटल 1 लाख के करीब चली हुई है। इसकी जो है ये ओरिजिनल माइलेज है। आप कंडीशन जो है वो इंजन की चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में इसका इंजन है, साउंडलेस और स्मोकलेस। इसका जो है सस्पेंशन में जो है कोई काम नहीं होने वाला, बिल्कुल ओके कंडीशन में इसका इंजन और जो है सस्पेंशन है, बिल्कुल स्मूथ इसकी जो है वो ड्राइव है। गाड़ी की जो ओवरऑल कंडीशन है बिल्कुल एक्सीलेंट कंडीशन में ये गाड़ी है, बिल्कुल जेन्युइन हालत में। कार की जो रजिस्ट्रेशन है वो इस्लामाबाद की है। तमाम जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स वो क्लियर हैं, टोकन वगैरह जो हैं इसके अप टू डेट हैं। इसकी जो डिमांड है वो 12.5 लाख जो है इसकी डिमांड है। प्राइस में जो है वो थोड़ी बहुत कमी हो जाएगी। फर्स्ट आप आके जो है वो गाड़ी चेक करें। कार जो है वो सियालकोट में ये खड़ी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मैंने शेयर की हुई हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो डियर व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نیو ویڈیو آنے والی تمام نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔